नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल की यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सिंह राशि के दिसंबर माह के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कौन कौन से भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, किस भाव से रिलेटेड आपको अत्यधिक फल मिलने के चांसेज रहने वाले हैं, यानी अगर मैं बात करूँ धन को लेकर, कार्यक्षेत्र को लेकर, लाभ को लेकर, बिजनेस को लेकर, कॉम्पिटिशन्स को लेकर, साथ के साथ आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी नवमेश को लेकर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है ग्रहों का गोचर। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और देखते रहें डेली पंचांग, डेली राशिफल, मंथली राशिफल, ईयरली राशिफल और ईष्ट भगवान संबंधित सभी जानकारियाँ। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशि स्वामी को, क्योंकि तो राशि स्वामी का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कार्य में सफलता के लिए, चाहे वो आपके व्यवसाय हो, चाहे आपका कार्यक्षेत्र हो, चाहे धन लाभ हो, चाहे भाग्य को लेकर, चाहे पारिवारिक स्थिति या फिर बिजनेस को लेकर। राशि स्वामी का इन्वॉल्वमेंट और शुभ गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्यदेव बनते हैं राशि स्वामी। सूर्य के गोचर की अगर हम बात करें तो अपने से चतुर्थ भाव में सूर्यदेव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर शुभ गोचर रहने वाला है क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और साथ के साथ दशम भाव के स्वामी के साथ में गोचर कर रहे हैं। तो राशि स्वामी और दशमेश का गोचर जो है वो चतुर्थ भाव में हो रहा है। साथ के साथ बुध भी यहाँ पर विराजित हैं तो बुध का गोचर, बुध यहाँ पर धन और लाभ दोनों के स्वामी हैं। तो सूर्य, बुध और शुक्र तीन बहुत महत्वपूर्ण ग्रह आपकी कुंडली के अंदर, आपके धन के स्वामी, कार्यक्षेत्र के स्वामी और राशि स्वामी, इनका चतुर्थ भाव में सुख भाव में गोचर, कार्यक्षेत्र की तरफ से सुख, धन की तरफ से भी सुख, साथ के साथ आपकी अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअल लेवल पर भी यहाँ पर एक सुख की प्राप्ति अवश्य कराता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ मंगलदेव दशम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं तो मंगल का दशम भाव में गोचर मोर देन वन इनकम सोर्स से आपको यहाँ पर धन लाभ कराने की कोशिश करेगा। साथ के साथ सूर्य का गोचर, शुक्र का गोचर और बुध की दृष्टि दशम भाव पर, चार ग्रहों का जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है आपके दशम भाव के ऊपर। तो आपका कार्यक्षेत्र यानी दशम भाव यहाँ पर एक्टिवेट अवश्य हो रहा है। साथ के साथ अगर हम दूसरे भाव की बात करें तो यहाँ पर द्वादश भाव भी एक्टिवेट है। शनि और गुरु छठे और आठवें भाव में बैठकर आपके द्वादश भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं द्वादश भाव से रिलेटेड फल मिलने के चांसेस भी आपको यहाँ पर अत्यधिक रह सकते हैं। द्वादश भाव कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से रिलेटेड भाव है तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर सिंह राशि वाले ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र की अगर बात करें तो कार्यक्षेत्र में अवश्य उन्नति देखने को मिलेगी। कार्यक्षेत्र की तरफ से मंगल मोर देन वन इनकम सोर्स से आपकी इनकम कराने वाला है। धन लाभ भी आपको यहाँ माह की शुरुआत में ही देखने को मिलेगा। माह के मध्य की अगर मैं बात करूँ तो बुध, शुक्र और सूर्य तीनों अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वे पंचम भाव में गोचर करेंगे। धन भाव के स्वामी का पंचम भाव में, लाभ भाव के स्वामी का बुध का पंचम भाव में गोचर धन लाभ दिखाता है। तो पूरा माह एक तरीके से धन लाभ के लिए सिंह राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ शुक्र को लेकर तो शुक्र यहाँ दशम भाव के स्वामी हैं, अपने से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ के साथ तीसरे भाव के स्वामी भी हैं जो अपने से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर शुक्र का गोचर यानी माह के मध्य में थोड़ा सा आपको आपके कार्यक्षेत्र में आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। हालांकि शुक्रदेव वापस से अपना राशि परिवर्तन करके माह के अंत में धनु राशि से निकलकर मकर राशि के अंदर प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ पर छठे भाव के अंदर दशम भाव के स्वामी का गोचर आपके कार्यक्षेत्र में फिर से उन्नति देखने को अवश्य मिलने वाला है। नवम भाव के स्वामी की बात करते हैं यानी भाग्य भाव की बात करते हैं। राहु विराजित है। राहु का नवम भाव से संबंध, पिता से संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मंगल का, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके कारक ग्रह हैं जो, क्योंकि चतुर्थ भाव और नवम भाव दोनों भावों के स्वामी हैं। मंगल के गोचर की अगर मैं बात करूं तो मंगलदेव यहाँ पर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवमेश का दशम भाव में गोचर अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण गोचर माना गया है। मंगलदेव भाग्य में वृद्धि करने वाले और भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे और जो वृद्धि होने वाली वो आपके कार्यक्षेत्र यानी आपके जॉब से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि दशम भाव पर मंगल का इफेक्ट बहुत अच्छे से है। बिजनेस की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं जो अपने से द्वादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। हालांकि छठे भाव के अंदर अपनी राशि में, स्वयं राशि में हैं, लेकिन फिर भी द्वादश भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, अष्टम भाव को शनिदेव यहाँ एक्टिवेट कर रहे हैं। तो बिजनेस को लेकर लिहाज से सिंह राशि वालों के लिए यह माह उतना अच्छा आपको अभी देखने को नहीं मिलने वाला है। हालांकि जॉब्स में जो भी जातक हैं अपना
नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए यह गोचर आपको एक शुभ फलदायी अवश्य रहने वाला है। पारिवारिक स्थिति की बात करें, मंगलदेव शुभ स्थिति में है, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। बुध की स्थिति भी यहाँ पर शुभ है। तीसरे भाव में केतु है, कहीं ना कहीं रिस्क लेने की आप कोशिश करेंगे और अपने करियर के अंदर जो रिस्क आप ले रहे हैं उसको लेकर आप सफलतापूर्वक यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं लाभ की। लाभ भाव के स्वामी जो हैं बुध देव बनते हैं। चतुर्थ, पंचम और छठम सिक्स हाउस इन तीनों भावों के अंदर गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में लाभ भाव का स्वामी का गोचर शुभ है। उसके बाद में बात करूँ पंचम भाव में भी बुध का गोचर एक अच्छा गोचर माना गया है। छठे भाव में बुध देव थोड़े से आपको कम यानी मिश्रित फलदायी देते हुए दिखाई देंगे। तो माह के मध्य तक का जो गोचर है वो शुभ गोचर है धन के लिहाज से। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कार्यक्षेत्र के लिहाज से माह के मध्य के बाद में भी गोचर शुभ फलदायी ही रहने वाला है। ओवरऑल अगर हम बात करें कार्यक्षेत्र अच्छा रहेगा, मोर देन वन इनकम सोर्सेज से आपको इनकम होती हुई दिखाई देगी, धन लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जो भी जब तक यहाँ पर रिसर्च से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर अष्टमेश होकर अपनी स्वराशि मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धन पर भी दृष्टि है, चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि है और द्वादश भाव पर भी दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं जो भी जब तक यहाँ पर रहस्यमय या मैं कहूँ केतु का रिलेशन भी तृतीय भाव से हो रहा है, तो बाहर फॉरेन से जो भी जब तक जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं रिसर्च से जुड़े हुए हैं, किसी साइंटिस्ट पोस्ट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर भी एक अच्छा गोचर रहने वाला है। हेल्थ को लेकर बात करें, थोड़ी सी मानसिक रूप से परेशानी आपको देखने को अवश्य मिलेगी। बाकी सूर्य का गोचर एक शुभ गोचर ही रहने वाला है और यहाँ पर आपको हेल्थ के लिहाज से एक अच्छा फलदायी जो गोचर है वो आपको देखने को अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।